चन्ना मेरे आ मेरे आ, हाथ ऊपर लसबेला में है, यहाँ पर कि क्या मकाम है, खाना पीना वगैरह है, और उसके बाद इस वक्त तक कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो वी आर एट द होटल, लेट्स सी आगे कैसे रहती हैं चीज़ें, कैसे नहीं रहती हैं। एक्साइटेड, नींद फ़िलहाल सफ़र अच्छा रहा है, इजी रहा है, क्योंकि मैं तो सोता रहा तो मुझे पता नहीं है कि क्या था क्या नहीं, कुछ भी। शायद ऑफिस से आया हूँ तो अभी तक अच्छा ही जा रहा है। I don't know कौन सी जगह पे है ये जगह यार, हम गनोर से अराउंड 40 किलोमीटर भी पीछे हैं। गनोर गूगल कर लेना कोई जगह का नाम है, पूरा साइडों पे रेगिस्तान टाइप है, संगलाक जगह हैं, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। एंड इट्स वेरी ट्रू कि यहाँ पे कुछ नहीं है, हम आए हैं अभी तक, वाकई ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अपने खाने पीने की चीज़ों के लिहाज से, आपका सामान क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट इट्स नेचुरल रॉ ब्यूटी फॉर अस जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ जगह शॉपिंग वगैरह भी देखी हैं, तो देख के फील हुआ है कि यार बाकी ये लोग बहुत पीछे हैं, और दूर दूर घर नज़र आते हैं, 5-6 घर नज़र आए, 5-6 घर नज़र आ गए। चुके हैं और हमारा झील नहीं, और हमारा समंदर की तरफ पहुंच चुके हुए हैं। तकरीबन ये कराची से इसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स का होगा एट मैक्सिमम। रोड अच्छा बना हुआ है, रास्ते में वो संगलाक पहाड़ आते हैं, सीनरी अच्छी है लेकिन मज़ेदार है, डिफरेंट है। और इस वक्त तो हम सनसेट देखने आए हुए हैं यहाँ पे, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इस साइड पे तो समंदर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, और अगर आप ये वाली साइड देखें तो ये पहाड़ है। न सहरा न पर्वत न कोई गुलिस्तां, फकत तब समंदर बुलाता है मुझको, कि हर शय समंदर से आई समंदर में जाकर मिली। वगैरह होती है या कोई भी सांप वगैरह तुझे काट दिया तो उसका क्या होगा साहब।
बहुत काम जगह है, स्कूल वाली जगह है, नई जगह है। स्टार्ट हो चुका है पॉइंट, और इस वक्त मैं तकरीबन पूरी रात जागता रहा हूँ सिर्फ इस व्यू के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस जगह को एंजॉय करने के लिए, इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। इट्स रियली किलिंग, इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग और ज़बरदस्त। ये मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा क्या मतलब पहला ही सनराइज़ है ऑन द सी साइड एंड इट लुक्स वेरी गुड। हमारा का सी व्यू पॉइंट अच्छा है, और वो पीछे जो मेरे पहाड़ है जो आपको नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल आर्मी के पास है या नेवी के पास है, और वो लोग सिर्फ नेवी वालों को ही अलाउ करते हैं, सिविलियंस के लिए नहीं होता। पर वहाँ से अगर आप टॉप व्यू से देखें तो वहाँ से आपको सनराइज़ का देखने का मौका मिले तो आई एम श्योर दैट विल बी एपिक। भाई पीछे था होने दे। प्रिंसेस ऑफ होप की जगह है, शी इज द प्रिंसेस ऑफ होप। आई डोंट नो उसका नाम क्यों रखा, कहा जाता है कि एंजेलिना जोली आई थी और उसने इस जगह का विजिट किया और उसने इस जगह का नाम प्रिंसेस ऑफ होप रख लिया था। एंशियंट जगह है, रियली एंशियंट जगह है। तकरीबन 5 से 8 मिनट की तकरीबन है ये हाइक है, सो मैक्सिमम 10 मिनट की होगी हाइक और आप यहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं। हर तरफ बिल्कुल वो है, गार नमा जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, नोबडी नोज़ कि कौन सी जगह कैसे बनी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बहुत सारे मिस्स हैं, कोई कहते हैं जिन भूतों की जगह थी, कोई कहते हैं तूफान आया था, कोई कहते थे लोग एक दूसरे की मानते नहीं थे, बट यू नेवर नो।